हाय फ्रेंड्स, एक छोटी सी यादगार स्टोरी है जो मैं बता रही हूँ कि जब राजधानी ट्रेन मेरी छूटी थी तो क्या हुआ था और कैसे मैं सफर की। तो चलिए आगे कंटिन्यू सुनें। नहीं। अच्छा, अलर्ट अलर्ट एक्शन 1 2 3 स्टार्ट। क्या बता रही थी अभी? मैं बच्चों ना वो एक बचपन की स्टोरी बता रही थी, क्योंकि आज बच्चे बाहर जा रहे हैं, राजधानी से दोनों फर्स्ट टाइम जा रही है, मतलब आज बिना पेरेंट्स के। तो बिना पेरेंट्स के मैं पहले नहीं आई हूँ ट्रेन से। अकेले तुम आई ना? रिया दीदी और रिया, मतलब दोनों साथ में फर्स्ट टाइम जा रही हो। अच्छा, तो मैं वही राजधानी के एक्सपीरियंस बता रही थी कि क्या हुआ था कि जब मैं पटना से पटना दिल्ली जो भी राजधानी थी उसमें बैठी, पर वो ट्रेन लेट थी, किसी रीजन बस से ट्रेन लेट थी। फिर हम लोग जब दिल्ली में उतरे तो हमारी राजधानी जा रही थी, मेरे सामने ही राजधानी निकल गई, बॉम्बे राजधानी। उसके बाद सामान लेकर के कूली जैसे ही बाहर आया तो पश्चिम भी निकल गई। अभी जैसे ही हम लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, जिया को फीवर, कट कर दे। अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्या हुआ फिर? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, ये हाँ ड्यूटी से आया ना तो खाना। हाँ, तुम स्टोरी कंटिन्यू करो। हाँ, स्टोरी कंप्लीट करना। हाँ, तो फिर क्या हुआ ना कि पश्चिम भी निकल गई, तो जो कूली जो होते ना तो बोले कि अरे पश्चिम भी पकड़ा जाते तो आप लोग को बिठा देते, क्योंकि ट्रेन तो कैसी ट्रेन लेट थी ना, आप लोग लेट नहीं थे। फिर जैसे ही स्टेशन पे उतरे हैं, सामान ट्रेन चली गई दोनों, और छोटी को फीवर 102। ओ माय गॉड, छोटे छोटे दोनों थे। उसके बाद इसको फीवर लग गया, उसके बाद मेरे पति देव यानी तुम्हारे पापा, हाँ छोटी यानी जिया को फीवर आ गया, और दोनों को मैं लेकर के बैठ गई। और ये गए बाहर से दवा लाने के लिए, ट्रेन ट्रेन चली गई तो ट्रेन का दूसरा टिकट अरेंज करने के लिए। उसके बाद हम लोग राजधानी से थे तो कोई हमारे पास ना बेड शीट था ना ब्लैंकेट था। फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि ये स्टेशन के बाहर ही बेड शीट लेकर आए, पतला पतला दोसा था, और मतलब काफ़ी ही, मतलब 3 घंटे इतना उथल पुथल रहा, काफ़ी परेशानी भरा समय रहा। उसके बाद हम लोग स्वराज में बैठे, शायद 9 बजे का टाइम है, 9:30 या 9 बजे का उसमें बैठ गए। उसके बाद छोटी की तो तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, पर दवा से फीवर थोड़ा उतर गया था। दो बेडशीट लिए, और आज जब एसी स्टार्ट, एसी वाले बोले तो ठंड लगेगी ही लगेगी, इतनी ठंड लगने लगी कि एक तो पापा के साथ चिपक के सोई, जो था बेडशीट था दुपट्टा था उसमें लपेट करके बड़ी को सुला दिए, और छोटी को मैं पूरी फुल नाइट यूं ऐसे पकड़ के, बेडशीट ऐसे ओढ़ करके ऐसे पकड़ के उसके पूरी रात में सफर की, क्योंकि इसे ठंड न लगे, क्योंकि इसे फीवर थी। तो वो जर्नी हमें भी याद है कि वो राजधानी का, जब भी नाम याद आता है ना तो राजधानी के चक्कर में एक बेडशीट नहीं था, और पूरी रात हम लोग ठंड से ही गुजारे वो सफर। तो वो सफर यादगार सफर रहा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उस दिन का है जब मेरी बेटी लोग जा रही थी, तो जब मैं अचानक ऐसे स्टोरी सुनाने लगी तो बोली कि मम्मी स्टोरी अच्छा लग रहा है और वीडियो शूट कर ली, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ भी शेयर करूं। और ये राजधानी ट्रेन देख करके मुझे याद तो आ ही जाती है वो पल, कितना मुश्किलों से भरा हुआ वो सफ़र था। तो फ्रेंड, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। थैंक